दोस्त, आपने ये देखी किचन? ये सोचे ना, हमने इन शायदर हमने उधर जाने हैं तो वो उधर हम स्किन कर, हम टायर को उतार के इसके ऊपर इस तरह खड़ा करते हैं, तो फिर हम उसे इस तरह लगा के फिर हम उसे लगा के इस तरह टाइट कर देते हैं, तो फिर स्नो पे ये फिसलते नहीं है। स्नो पे अगर हम टायर चलाएं तो फिर हमारी गाड़ी फिसल के नीचे आ जाए। तो हमने ये जो निशान है यहाँ से और उधर से, ये निशान इसका साइज ले लेना है, ये ऐसी चेन लगाने के लिए, और एक चेन ऐसे इसके गिर्द लगाने के लिए इसकी मेजरमेंट कर लेनी है। तो आप एक इंची टेप पकड़ें, पकड़ के तो आप किसी चीज़ को एक ज़ीरो मेजर करके समझ लें ये निशान जो है हमने यहाँ से ज़ीरो से मेजर किया, और इसके बाद ये आराम आराम से इसको ऐसे साइज चेक कर लें भी ये कितनी लंबी चेन लगेगी। यस, निशान पर पहुंच गए, ये 5 फुट 1 इंच, 5 फुट 1 इंच इसकी लेंथ बनी। आपने 2 पीस चेन के 5 फुट 1 इंच के काट लेने हैं, और फिर उसके बाद ये इधर से आपका ये जो साइज बनेगा तकरीबन आपका ये 1 फुट आपका ये साइज बनता है। आपने 1 फुट के पीस काटने और जो है वो भी चेक करते हैं वो कितने हम इसमें डालेंगे, और 5 फुट 2 इंच के पहले पैर पीस काट। अब ये मैं छोटे पीस काटने लगा हूँ जो इसके दरमियान में हमने लगा लिए। इसके जो है ये रिंग जो है मैंने इसे काउंट किए हैं, ये 54 हैं, तो हम ना इसे 16 पीस काट लेते हैं, जो ऐसे जो है हर 3 रिंग्स के बाद लगाते जाएंगे। अब ये मैं काट लगा, ये ग्राइंडर के साथ कट लगाया। अब इसको हम पाइप रेंच और स्क्रू रेंच में डाल के तो जोर दे के इसे साइड पे करेंगे, तो इसमें से चेन को अलग करेंगे। Thank you.
यहाँ पे मार्कर से निशान लगा लिए हैं जहाँ जहाँ पे ये चेन के पीसेज आने हैं, और ये अब इस पीस को दोबारा इसमें डाल के सीधा करना है। और सीधा करने के बाद फिर इसके ऊपर रख के ये जो है ये हमने ऐसे ये दोबारा इसको ये निशान को इकट्ठा कर लेना और इसके ऊपर बाद में वेल्डिंग कर देनी है। आपने जो ये चेन लेनी है इसमें दो तरह की चेन आती है, एक आम जिसे पाकिस्तानी चेन कहा जाता है और एक चाइनीज़ बनी हुई कहते हैं। पाकिस्तानी चेन जो है वो 190 रुपये से 200 रुपये किलो तक थोक में मिल जाती है, और जो चाइनीज़ है कहते जी इसका बहुत अच्छा निकल है, इसको जंग नहीं लगेगा, और उसमें प्रॉब्लम ये आती है वो 240 रुपये तक केजी देते हैं, उसमें प्रॉब्लम ये आ रही है आप पाकिस्तानी जो चेन है उसका ये लोहा जो है ना ये नरम है, इसे आप दो दफ़ा खोलें तीन दफ़ा खोलें बंद करें तो ये टूटेगा नहीं, ब्रिटल होके वो उसका जो है सरिया जो है उसका वो चाइनीज़ का वो बहुत सख्त है, आप एक दफ़ा से दो दफ़ा करेंगे दोबारा आपको खोलना या बंद करना पड़ गया तो उससे वो टूट जाएगा। तो इसलिए जब आपने चेन लेनी है उसका ये अपना यकीन कर लें भाई इसका जो है ये लोहा नरम होना चाहिए, जिसे आपने खोलना या बंद करना है, इन दो चीज़ों के साथ हम कर लेते हैं जो ऐसे डाल के ये हम प्रेशर देके ये ऐसे खोला या बंद किया। और इसमें आपके पास अच्छा उस चेक करने का ये तरीका है, आप जब ये चेन परचेज़ करते हैं तो उसको आप पहले जाके आप सिर्फ एक फुट ले लें, दोनों का एक एक फुट सैंपल ले आएँ और घर ला के उसे खोल के बंद करके देख लें, तसल्ली कर लें भी ये ख़राब तो टूट तो नहीं जाएगी दो दफ़ा खोलने बंद करने से, ऐसे एक ये चीज़। और दूसरा आपके पास अगर तो बांक है तो जिस अगर तो वो है ठीक है, वरना ये आपके पास प्लास हो इसका ये जो अब ये आपस में फासला आ चुका है इसको जब आप इसे ऐसे लगा के तो ये बंद करेंगे तो ये वेल्डिंग करने के लिए ये आपके पास ये फासला ये ख़त्म हो जाना चाहिए, फिर इसके ऊपर वेल्डिंग करना है। वेल्डिंग करने के बाद थोड़ा सा आपने ये ऊपर से जो कार्बन लगी है उसे गिराना है और देखना भी जोड़ सही लगा है कि नहीं लगा। अब ये हमारा हमने देख लिया जोड़ लग गया, लेकिन ये ऊपर वाली साइड है, अभी अंदर वाली साइड से भी हमने इसको वेल्डिंग करना है। इसको ग्रिप प्लास भी कहते हैं, ये पीछे से ऐसे आप साइज कंट्रोल कर सकते हैं बड़ा या ज्यादा अपने हिसाब से चेन के हिसाब से दबा के कर सकते।
ये बाज़ार से बने बनाए एस मिल जाते हैं, इसको हम चेन के एंड सिरों पे दोनों तरफ लगाएंगे भाई, आपस में टायर के ऊपर चढ़ा के आपस में हुक करने के लिए, और उसके बाद हम रस्सी से कस लेंगे। ये भी मैं आपको बता टाइट कर लेंगे भाई किस तरह हमने ये काम करना है, ये अगला मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। ये जो एस थे इनको हमने इसमें डाल दिया है, और इनकी ये एक साइड बंद करके हम इधर वाली इधर से वेल्ड कर देंगे पक्का ही, और मुस्तकिल तौर पे ये वेल्ड कर देंगे इस साइड को भी, और बाद में हम इसे ऐसे ही ज़मीन पे बिठा के जब आपने गाड़ी को ये टाई अप करना है इस चेन को, तो इधर हम इसके आगे टायर के आगे बिछा के तो इसके ऊपर टायर को ऊपर ला ले जा के तो यहाँ पर गाड़ी को रोकेंगे, और ये हुक को और उधर से आपस में डाल के तो टाई कर देंगे। ये अब गाड़ी के आगे हमने चेन को बिछा दिया है, और ये इंशाल्लाह लगने के लिए रेडी है। हम आपको करके दिखाते हैं ये कैसे इसको टाई अप करेंगे। ये हमने हुक को डाल दिया है, अब इसको ये जो है लूज इसको हम टाइट कैसे करेंगे, रस्सी डालनी है इसमें, वो बताता हूँ मैं आपको। ये हमने रस्सी ले ली है, अब इस रस्सी को गिरा लगाने का तरीकेकार ये है, ये ऐसे करके आपने ऐसे और ये इस तरफ से ऐसे लगाना है, इससे ये रस्सी खुलेगी नहीं। आपने ये जब टाइट करनी है तो इसे लूज नहीं होने देना, ये ऐसे पकड़ के रखना है साथ। ये टोटल हमने 4 चेन्स बनाई हैं, और इसका वज़न चेन्स का तकरीबन 21 केजी बना है, और ये 190 रुपये केजी थी। ये मैंने फैसलाबाद सादिक मार्केट से परचेज़ की है, वहाँ का ये रेट बता रहा हूँ, और आज तारीख है 8 दिसंबर 2020, क्योंकि रेट वेरी करते रहते हैं इसलिए मैं ये चीज़ आपको बता रहा हूँ। और ये जो मैंने रस्सी ली है ये भी वहीं से ली है, और इसका रेट था 410 रुपये केजी, तो ये मुझे ज़्यादा बेहतर महसूस हुई थी इसलिए मैंने ये ले ली। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह पाक के एहसान से ये हमारा मुकम्मल हो गया है। अब इंशाल्लाह जो है आप नलतर में या स्नो एरिया में आपसे मुलाकात होगी, हम इंशाल्लाह वहाँ जाएंगे मैं फैमिली के साथ, तो फिर ये मैं चारों टायर्स को लगा के और वहाँ पे आपको चला के दिखाऊंगा। इस वक्त ये बहुत ज़्यादा टाइट हो चुकी है, ज़रा भी इसमें लचक मौजूद नहीं है। इंशाल्लाह मुझे अल्लाह पाक के घर में यकीन है ये इंशाल्लाह वहाँ पे बेहतरीन वर्क करेगी, और टोटल मेरा चारों टायर्स का खर्चा इस पर 4000 आया। ये 5 से 6 mm इसकी थिकनेस है इस रिंग की जो ये चेन है। अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह हम ये नलतर में आ गए हैं, तो ये थोड़ा सा यहाँ से रह गया 5-6 किलोमीटर, तो अब हम चेन फिटिंग करने लगे हैं, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक खैर करेंगे, वहाँ पे पहुँच के आपसे दोबारा आपको बताऊँगा। तो
की कुल्फी।